हेलो दोस्तों, मैं संजू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो चावल मेरा बन चुका है और अभी मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो सब्जी में आज मैं लौकी का सब्जी बनाने वाली हूँ। दोस्तों आयुष अभी घर में है नहीं, स्कूल गया हुआ है और आयुष 12 बजे आएगा। तो पीयूष अभी अकेले में है मेरे साथ, तो मेरा थोड़ा साथ दे रहा है काम करने में। दोस्तों सब्जी के लिए तो मुझे डेली सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाऊं। आज लौकी बन रही है अभी सुबह में, तो शाम को क्या बनाऊं या फिर कल क्या बनाऊं, सब्जी के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है दोस्तों। और अभी का मार्केट में जो सब्जी का रेट है, टमाटर तो मतलब लाना ही भूल गए हम लोग। अभी तो घर में टमाटर बिल्कुल नहीं आते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? आप लोग भी सोचते हैं कि आज अभी इस चीज़ का सब्जी बन रहा है तो कल क्या बनाएं? शायद होता होगा दोस्तों किसी किसी के साथ, पर मेरे साथ तो रोज होता है। मुझे तो रोज सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं। दोस्तों ये देखिए सारे लौकियों को मैं काट चुकी हूँ और अभी लौकी का सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए दोस्तों हमारे पीयूष को अपना जो काम है वो स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों जब पीयूष थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है और ज़्यादा सताता है तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और मैं सोचने लगती हूँ कि शायद मैं भी पीयूष के जैसे अपने माँ को सता रही थी और परेशान कर रही थी। वो भी इतने ही मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा की है। तो जब भी पीयूष सताता है तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है दोस्तों। दोस्तों मेरी जो लौकी की सब्जी है वो बन चुकी है और अभी मैं दाल बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए दाल मेरी बन रही है दोस्तों, और इधर पीयूष भी रोना धोना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों खाना सब्जी सब कुछ बन चुका है और पीयूष अभी सो रहा है, तो इसीलिए मैं अभी सिलाई का थोड़ा काम है उसको अभी कर रही हूँ और आयुष अभी तक आया नहीं है।
दोस्तों सिलाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं, पर जब भी टाइम थोड़ा सा मिल जाता है तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। दोस्तों आयुष स्कूल से आ चुका है और अभी दोपहर का समय है तो खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। दोस्तों दोस्तों आयुष सूखा भात पसंद नहीं करता है ज़्यादा, वो माड़ वाला भात ही ज़्यादा पसंद करता है, तो इसीलिए आयुष के लिए माड़ वाला भात बना दिए हैं और आयुष अभी माड़ भात खा रहा है। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।